किसान भी आ पा और ये दोनों रिश्ता हमारा बरकरार हो जाए। सही है, ये एक शिकायत और है कि यारो महो के जो बनाए गए तल्लू बनाए गए किसानों का और काशी का रिश्ता हम लोगों का बरकरार। दूसरी बात सर्विस लैंड आबादी नहीं, आबादी नहीं तो ये भी तो सर्विस यही तो हमको दें फिर आते हैं। ये लोगों की जनता के प्रयास से रुका हुआ मगर कल के जो मंत्री जी ने जो दिया है, मंत्री जी और माननीय सांसद जी ने जो दिया है उसके बाद ये इसको प्रस्तावित ले रहे हैं देखने की तैयारी में अब का प्रयास हो रहा है। इमीडिएट एक्शन लिखा हुआ है हाँ, ये बहुत बड़ा काम है। ये कैसा दौड़ा है और क्या है? देखिए जब सदन की पहली कार्रवाई शुरू हुई तो अल्ताफ भाई ने मुझे बहुत बताया था, लिख कर भी दिया था और लोगों ने बोला था, लेकिन अल्ताफ भाई वहाँ दिल्ली तक आए और कि यहाँ के लोग ये दोनों रास्ते ये कोपागंज बाज़ार से और वहाँ कस्बे से बंद हो रहे थे इस एक्सप्रेस, तो फिर इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं, फिर हम तो घूम कर उधर से डांडी चढ़ें या वहाँ चढ़ें। तो मैंने माननीय गडकरी साहब से मिला और मुझे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत लिखा इमीडिएट एक्शन और ये कागजी नहीं रहा। जब तक मैं सदन के कार्रवाई के बाद आया दो दिन बाद ही अधिकारी आ गए, कल यहाँ सर्वे भी हो गया, आपने सबको एक्सप्लेन भी किया और उन्होंने सहमति भी दी है कि दोनों रास्तों को जोड़ देने से इधर किसानों का इलाका है इधर व्यापारियों का इलाका है तो दोनों कनेक्ट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था और सुधरेगी, लोगों का आवागमन का होगा और ये रास्ते अगर बंद हो जाते तो दुश्वार था। ये कल्पना करिए अगर ये आपको घर है इसी रोड पर आना है तो पूरा आधा कोपागंज होके डांडी होके आगे या तो चढ़े या तो उधर जाएं। इसलिए हालांकि सरकार में कागज़ों में बहुत होता है लेकिन चूंकि ये आदेश गडकरी साहब ने दिया है, उनकी अपनी एक पहचान है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जब जाऊँगा तो इस पर आदेश का प्रोजेक्ट का अप्रूवल भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा जिससे बहुत बड़ी 2 लाख की आबादी को राहत मिलेगा। अगर देखा जाए तो अभी ऐसे किसान हैं जिनका मुआवजा नहीं मिला है, केवल आपके चक्कर लगा रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया था, आज तमाम लोग आए थे, कल मैं अधिकारियों से बात करूंगा और अगर किसी किसान का मुआवजा जबरदस्ती या किसी अन्य लाभ के लिए रोका जाएगा तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहना मुश्किल होगा। आपका पक्ष आपको देने जा रहे हैं ये कैसा रहेगा? अभी तो शुरुआत है, और बात है कि पाला ही नहीं हजम हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर क्या लिखवाया जा रहा है, आप पत्रकार हैं, हमने कहा कि हम कनेक्टिंग या सर्विस लेन को यहाँ लोगों को हमें हमारा क्या है आपका क्या है कि यहाँ के लोगों को आने जाने की सहूलियत, तो कल्पना करिए दोनों अप्रोच बंद हो जाए तो इस रोड ये रोड 2 लाख आबादी के किस काम का है? तो लिखा जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, वायरल करवाया जा रहा है कि सपा सांसद सड़क के ऊपर सड़क बनवा रहे हैं। एक तो चमचे पालो मत, चमचे पालो तो मंद बुद्धि के मत पालो। तो जिन लोगों को अभी से जलन शुरू हो गया, अरे विकास हो चाहे मैं कराऊं आप कराएं एक्स वाई जेड कराएं, तो उसमें कोई पार्टी विशेष के लोग धर्म विशेष या जाति विशेष के लोग जाते नहीं। क्रेडिट लेने के होड़ में किसी के काम को रोकने का प्रयास करना, काम को न होने देना, अनर्गल दुष्प्रचार करना, मैं चाहता हूँ कि ये स्वस्थ परम्परा नहीं है। काम वो करें, मैं करूँ, आप करें, कोई करें, जनता का काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए और ये तो अभी शुरुआत है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि राजीव राय के दिल दिमाग और जुबान पर एक ही बात रहती है, जो जो वादे हम लोगों ने किए थे हमारे नेताओं ने किए थे हर वादा बिना फुल स्टॉप काम आकर शुरू होगा। हर सदन के सत्र के बाद आऊँगा तो कुछ न कुछ घोषी के लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।